लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने कमर कस लिया है। महिला कांग्रेसियों के दम पर कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने में दावेदारी मजबूत करने में लगी हुई है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव पूर्वांचल की प्रभारी नंदिता हुड्डा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि महिला कांग्रेस ने प्रण लिया है कि 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। महिला कांग्रेस ने पूर्ण रूप से कमर कस लिया है। अब हम ब्लॉक स्तर पर बैठक करके 15-15 महिलाओं की टीम बनाकर आम जन को पार्टी से जोड़कर मजबूत बनाएंगे। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शहला अहरारी, महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी, प्रेमलता चतुर्वेदी, निर्मला पासवान, स्नेहलता, मंजू सुमन, उमेश खन्ना, कुलभूषण शाही, अभिजीत पाठक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव पूर्वांचल की प्रभारी नंदिता हुड्डा ने कहा, देखिए अब जो हम महिला कांग्रेस है उसने ये प्रण लिया है कि 2019 में हमने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। महिला कांग्रेस ने पूर्ण रूप से कमर कस ली है, मैदान में उतर चुकी है और अब हम यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मीटिंग्स कर रहे हैं और हम हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं कि किस तरह मौजूदा सरकार नाकाम रही है और क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, मिशन है कि 2019 में ऐसी सरकार जो जनहित को समर्पित हो, जनहित के कार्य करती हो, उसको सारे के सारे वोटर वोट करें। और मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जनहित का ध्यान रखती है और उसके लिए ही हम मैदान में उतरेंगे। और मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर 2014 में जो सरकार बनी है उसके मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादे में से उन्होंने कितना पूरा किया है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम ये करेंगे, पर किया क्या वो उन्होंने कभी भी नहीं बताया है। और जब करने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जब हम रोज़गार की बात करें तो पकोड़े बेचने को रोज़गार वो बताते हैं और 80,000 रुपये से करोड़ों कैसे बनते हैं वो फार्मूला हमारे युवाओं को नहीं दिया जाता है। उनको पढ़े लिखे युवाओं को पान की दुकान लगाने का, पकोड़े बेचने का सजेशन दिया जाता है। महिलाओं की मैं बात करूँ, महिलाओं का वोट उन्होंने लिया कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी और महिलाओं को जो है 33% का रिजर्वेशन हम उनका पास करेंगे। और उसमें भी जैसे 33% के रिजर्वेशन में हमारी सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा और हमारी आदरणीय सुष्मिता देव जी ने 32 लाख सिग्नेचर के साथ हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सबमिट किया और पूर्ण बहुमत होने के बाद भी इस सरकार ने एक बार भी उसको दोहराया तक नहीं। तो ये पूर्ण रूप से महिला विरोधी सरकार है, युवाओं की विरोधी सरकार है। बेरोजगारी इन्होंने चरम सीमा तक, हमारा देश आज बेरोजगारी वाला इनके कार्यकाल में सबसे आगे हम उसमें बढ़े हैं। रुपए की कीमत जिसको कहते थे कि वो प्रतिष्ठा है, रुपए की कीमत गिरती है तो प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन इनके कार्यकाल में रुपए की कीमत भी निम्न स्तर तक गई है, महंगाई चरम सीमा तक गई है, अपराध चरम सीमा तक बढ़ा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम सबके बीच जाएंगे। आज की ही बात बता दूं, आज हम जैतपुर में जाके आए हैं, हमारी मीटिंग थी वहाँ पर, जितनी महिलाएं आई थी हमने पूछा कि उज्ज्वला में किस किस को सिलेंडर मिला है, किसी महिला ने हाथ नहीं उठाया। आप खुद जाके भी कर सकते हैं उस गांव में कि कितनी महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ इश्तहार की ये सरकार रही है, हमारे टैक्स के पैसे को सिर्फ और सिर्फ
इश्तहार के लिए यूज़ किया गया है, यात्राओं के लिए यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें जब जनमानस तक पहुँचेंगी तो वो सोचने पर मजबूर होंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस की पार्टी ही और राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।